विजय, मैं पूछना चाहूँगा कि फिल्म जो पाशा है, किस तरह का विषय है और क्या भूमिका निभा रहे हैं फिल्म को? सर, ये जो पाशा, इन लोगों ने जो हमारे टेंटेटिव टाइटल अभी उन्होंने रखा है पाशा, पाशा इज़ अ गैंगस्टर मूवी। किस तरह एक गैंगस्टर की लाइफ है, जैसे आप कई पिक्चरें गैंगस्टर पर आ चुकी है और हमें काफ़ी लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे गैंगस्टर की मूवी बनाने वाले अपूर्व लाखिया साहब है, वो भी अभी आएंगे, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि एक ऐसी पिक्चर बनाई जाए जो सबसे अलग लगे। गैंगस्टर जो होते हैं, पुराने ज़माने के गैंगस्टर्स अलग थे। अगर 2018 का अगर कोई गैंगस्टर बनता है तो कैसे बनेगा, तो वो अलग आधुनिक तरीके से वो गैंगस्टर होगा, पूरा सारे टेक्नोलॉजी से लेस होगा, तो वो उस हिसाब का एक गैंगस्टर का एक स्टोरी लेके हम लोग चल रहे हैं और सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बट अभी हाँ, पाशा जो है अभी वो हमारा टेंटेटिव टाइटल है, जैसे सोच रहे एक अच्छा टाइटल, ये सबको पसंद तो आ रहा है, लेकिन अगर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, फिल्म डेफिनेटली अच्छी शेप अप होगी। आज हमने गणेश जी से हमारे फिल्म की शुरुआत की है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रोड्यूसर्सों का, जिन्होंने मेरे पे थोड़ा सा भरोसा रख के मेरे को इस पिक्चर में एज अ मेन लीड काम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू माई टू माई प्रोड्यूसर्स, और मज़ा आ रहा है मेरे को। लेट्स सी, ये तो मेरी शुरुआत है अभी, मज़ा आएगा। विजय, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गैंगस्टर की जो फिल्म होती है, ये फिल्म क्या रियल लाइफ कैरेक्टर पे है या कोई फिक्शनल कैरेक्टर पे? सर, इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, कोई प्रॉपर किसी के ऊपर ये फिल्म नहीं है, किसी के बायोग्राफी नहीं है। इट इज़ जस्ट, हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि पहले जो गैंगस्टर्स थे और अगर अभी के जो गैंगस्टर्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो वैसा स्टोरी है, किसी की लाइफ स्टोरी पे नहीं है। तो आपके अलावा और कोई स्टार कास्ट है जो? हाँ, काफ़ी स्टार कास्ट अभी डिसाइड हो रही है। जैसे साहब, मैंने जो नाम बताया, अपूर्व साहब जिन्होंने शूट आउट लोखंडवाला बनाया, वो ही इज़ गोइंग टू डिसाइड, हिज टीम इज सपोर्टिंग माय फिल्म। तो आप कैसे मॉडिफाई करें इस कैरेक्टर को, किस तरह से रिसर्च करेंगे और इस कैरेक्टर में ढलेंगे? सर, जैसे मैं काफ़ी नेटफ्लिक्स पर काफ़ी मैं सीरीज़ देख रहा हूँ कि भाई किस तरह के गैंगस्टर कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे वो दारू पिएगा, कैसे बात करेगा, कैसे वो सिगरेट पिएगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये जो भी चीज़ हमने कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्टिंग कैसे किस तरह करनी है, क्या नहीं, सब उससे मैं सीख रहा हूँ। सो इट्स अ स्टार्ट, लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि वेब सीरीज़। सर, वेब सीरीज़ मेरी अभी जस्ट एक कम्प्लीट हुई है और उसके अभी और 10 एपिसोड शूट होने जा रहे हैं। वेब सीरीज़ जो हमने की वो इट इज़ अ कॉमेडी एक्शन वेब सीरीज़ जिसका नाम है बैंड बज गई। तो किस तरह बंदे क्या बैंड बजती रहती है, अलग अलग तरीके से लोगों को ये सिखाने की कोशिश की है कि भाई साहब, आप किसी के फट्टे में ऐसे हाथ मत डालिए वरना आप परेशान हो जाओगे। तो किसी भी चीज़ में सोचे समझे बिना हाथ नहीं डालना चाहिए और अपनी लाइफ को प्यार से आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। जो फिल्म बन रही है, पाशा जो फिल्म बन रही है, इसका मैं प्रोड्यूसर रवि कदम, जो मावली फिल्म बैनर पे चल रही है, और दिलजान वाडिया को हम लेकर और सारे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट लेके हम इसको एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या मतलब आपको प्रेरित किया इस तरह के विषय पर फिल्म बनाने के? नहीं, मैंने देखा है आजकल हर किसी को लगता है कि गुंडा बनना बहुत आसान बात है। कोई भी उठता है, छोटे बच्चा भी सोचता है, उल्टी सुलटी बातें करता है, क्योंकि उनको एक पब्लिक को मैसेज देना है कि गुनहगार बनने का मतलब क्या होता है। तो ये सबक देना चाहिए कि हमने उसमें बताया है कि अगर गुनहगार बनेंगे तो आगे क्या होगा आपका। तो रवि जी, पहली बार आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं या पहले? सर, मैं फिल्म इंडस्ट्री में 35 ईयर्स में हूँ। मैं हाँ, गौतम भाटिया के साथ में काम किया हूँ, अनिल शर्मा जी के साथ काम किया हूँ, विमल जी के साथ किया हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में जो फिल्म बनती है, कितना ज़्यादा चुनौती है कोई फिल्म को प्रोड्यूस करना और उसको पर्दे पर लाना? वो तो सारी बहुत सारी चुनौती है, तो भी हम कोशिश कर रहे कि अच्छी से अच्छी फिल्म, और ये फिल्म हम इसलिए बना रहे कि लोगों को मैसेज मिलना चाहिए कि गुंडागर्दी, भाईगिरी करने वाले, आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग भी देखो गाड़ी पे घूमते, उल्टा सीटा कोई अगर गाड़ी को टच किया तो उल्टी तीढ़ी बात करते, कि वही उनको मैसेज देना कि भाई गुनाह मत करो। तो सर, ये कहना चाहूँगा कि कास्ट का डिसाइड क्या, दिलदान तो है, इसके अलावा क्या कास्ट है, कहाँ शूटिंग होगी, कब तक पर्दे पाए? देखो, अभी इसकी शूटिंग अपूर्व लखिया जो बता रहे उस तरफ से होगा, ये दमन में हो रही है, गोवा में हो रही है, पुणे में हो रही है, बम्बई में और बैंकॉक में। ओके सर, पूछना चाहूँगा दिलजान के बारे में और उनकी फिल्म पाशा के बारे में, क्या कहना चाहेंगे कि कब से जानते दिलजान को और अभिनेता के तौर पर, इंसान के तौर पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? दिलजान एक उभरता हुआ स्टार है। पाशा जो फिल्म है उसका आज यहाँ पर मुहूर्त हुआ है। भीमराव पंडित जी और रवि कदम जी, इन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया है। निश्चित तौर पर एक अच्छी स्टोरी
अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के ऊपर प्रेरित ये स्टोरी है। मुझे विश्वास है कि वाडिया जी और उनकी पूरी टीम और दोनों भी प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं धड़क कामगार यूनियन के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 2-2.5 लाख वर्कर्स की तरफ से इस फिल्म को शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव काम करे। सब यंग अच्छे अच्छे लोगों को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। अनुपम खेर जी इस फिल्म में काम करने वाले हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छा फिल्म आप सब लोगों को देखने मिलेगा। मैं फिर एक बार सन्माननीय भीमराव पंडित जी और कदम जी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि एक अच्छा स्टेप उन्होंने लिया हुआ है और एक अच्छी फिल्म आप लोगों को सबको देखने मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। दिलजान वाडिया एक अपकमिंग स्टार है और मुझे विश्वास है कि उनकी ये फिल्म उन्हें अच्छी कामयाबी देगी। थैंक सर। सर क्या कहना चाहेंगे फिल्म पाशा के बारे में और दिलजान भाई के बारे में, अभिनेता के तौर पर कब से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके कैरेक्टर को लेकर? दिलजान भाई को मैं पिछले 1 साल से जानता हूँ और हम लोग कभी भाई जैसे ही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इज कमिंग बैक आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ ब्रेक। ही वॉज जस्ट गेटिंग रेडी, मेकिंग हिमसेल्फ मोर एंड मोर बेटर, क्योंकि लास्ट उनकी जो फिल्म थी उसके बाद थोड़ा टाइम उन्होंने खुद ने ब्रेक लिया था। तो नाउ इज़ कम बैक एंड इज़ ब्रिंगिंग ऑल ऑफ अस बैक। एंड ये बिग बॉस के बाद मेरा फर्स्ट हिंदी मूवी में डेब्यू है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ अस। एंड थैंक्स टू दिलजान वाडिया, मेरा भाई है, जिसने मुझे मौका दिया इसमें। एंड आई होप पीपल विल लव दिस फिल्म बिकॉज इट्स अगेन अ रियल स्टोरी गैंगस्टर बेस्ड। गैंगस्टर तो मूवी आपने काफ़ी देखी है ऑलरेडी पहले भी, लेकिन दिस इज़ समथिंग अबाउट ऑन अ रियल स्टोरीज आती है एंड यू विल एन्जॉय दिस स्टोरी। एंड ऑल ऑफ यू ऑल वी नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट वेट फॉर द पिक्चर टू रिलीज। दैट्स ऑल। तो हाँ नहीं, मेरा नाम चिंतन गंगर है एंड वो तो सलमान भाई को नाम काफ़ी पसंद है, तो एंड आज यहाँ पे मैं खड़ा भी हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान सर। थैंक यू बिकॉज ही मेड मी स्टैंड टू द इंडस्ट्री। एंड उसके बाद दिलजान भाई काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मूवीज़ में। और एक ड्रीम था कि बॉलीवुड मूवी जल्दी करूँ, ऐसे तो ड्रीम था कि फर्स्ट मूवी भाई की हो, लेकिन वो भी जल्दी आ जाएगी, पहले ये भाई की मूवी में आ जाऊँ फिर विल रॉक ऑन। हंसने के लिए बहुत आपको, हाँ हाँ रियल लाइफ में तो यार ऐसे ऐसे अगर घूमता रहूँगा तो हर जगह फिट हूँ मैं पर वो एक एक्ट है जिसने मुझे वर्ल्ड फेमस बनाया है एंड आई एम वेरी लकी टू बी वेरी फेमस इन अ शॉर्ट टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान सर। ही प्रमोटेड मी एंड ही लव्ड मी सो मच दैट ही मेक मी वर्ल्ड फेमस विद इन 5 ईयर्स आई एम डूइंग हिज शो एंड ही वॉन्टेड मी बैक टू द शो। तो थैंक यू सो मच। अगर वो नहीं चाहते तो शायद मैं जल्लाद बन के वापस कभी 8, 9, 10, 11 में नहीं आ पाता। यस यस ऑब्वियसली ये तो कंटिन्यूटी है एंड दिस इज़ द शो विच आई एम गेटिंग मोर फेमस एवरी ईयर। बट एक ज़्यादा खुशी है कि बॉलीवुड मूवी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट है और season 7 से काफ़ी वेट रिड्यूस कर रहा हूँ और अभी भी मेहनत चालू है मेरी। सो आई एम मेकिंग अ न्यू लुक ओवर एवरी ईयर एवरी टाइम। सो होप टू सी ऑल ऑफ अस एंड वी रॉक दिस मूवी वेरी सून। आपका प्यार ज़रूर लगेगा हमें, सो कीप अस ब्लेसिंग एंड थैंक्स दिलजान अगेन फॉर ब्रिंगिंग मी बैक इन द मूवी फर्स्ट टाइम इन अ बॉलीवुड डेब्यू मूवी। काफ़ी कुछ सीखने मिला है उनसे, काफ़ी सलमान भाई काफ़ी सिखाते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में या अपने बारे में कुछ, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है उनके साथ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ इसीलिए मैं उनकी बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली मैंने 5 साल में बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ। इज़ अ जेन्युइनली वेरी गुड पर्सन, बहुत सपोर्ट करते हैं। जितने भी ओल्ड एक्टर्स जो थे जो इंडस्ट्री से जा चुके या जितने न्यू कमर्स हैं उनको सिर्फ सलमान भाई सपोर्ट करते आए और आगे भी करेंगे। इस बार भी आप देख रहे हो रेस 3 में बॉबी देओल इज़ बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये सब को सलमान भाई फिर से वापस ला रहे हैं और उनके टैलेंट को वापस निकाल के बाहर रखना ये एक बहुत बड़े एक्टर की बात होती है जो अच्छे अच्छे एक्टर्स नहीं करते आज की तारीख में। उनको चाहिए जो प्रोफेशनल टीम है वही काम करे, बट सलमान भाई हर जुने नए लेख को साथ में लेके काम करते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग वाई इज़ अ सुपर हीरो ऑफ बॉलीवुड। बट नेचुरल जो भी अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं, कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उनको शुभकामनाएं दें। और आज के टाइम पे कोई इजी नहीं है फिल्म मेकिंग का, और मैं पंडित जी को और कदम जी को दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नया अपनी जो NRI है फ्रेंड है मेरा, तो वो बॉलीवुड में एंट्री कर रहा है और उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। और अरविंदर जी एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो अरविंदर जी का बहुत बड़ा म्यूज़िक का रिकॉर्ड है, उनकी काफ़ी एल्बम्स भी आई हैं और काफ़ी अपने आप में वो सिंगर भी हैं और बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। अल्टीमेटली ये एक बहुत बैलेंस्ड टीम है
और लेट्स गुड होप जिस सब्जेक्ट को लेके चले हैं पाशा, तो वो यूथ के अंदर काफ़ी एक एनर्जी भी देगा और एक सोच भी देगा कि किस तरह से यूथ भटक जाता है। तो अल्टीमेटली मेरे को एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैंने खुद दो फिल्में अंडरवर्ल्ड पे की है, माफिया बिग बॉस और रखधार अभी मेरी रिलीज हुई थी। तो एक फिल्म और मैं अंडरवर्ल्ड पे कर रहा हूँ, दाखिला, जो अभी स्टार्ट हुई है। तो अंडरवर्ल्ड का एक अपना एक ऑडियंस होती है, एक अपना दायरा होता है, तो यूथ लाइक भी करता है और इसमें रिकवरी भी अच्छी होती है। अल्टीमेटली बिजनेस पर्पज़ से भी होता है, कैरियर पर्पज़ से भी। तो मैं आज मौली फिल्म प्रोडक्शन के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं और जो टीम है, सबको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई। भीमराव पंडित है मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उनको ये पहली फिल्म है उसका, उनको हमारे तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। उनका भीमराव पंडित हमारे बहुत गहरे दोस्त है, हमारे तरफ से मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ और उसके फिल्म के लिए हम शुभकामना देते हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं? हम उनके उनके कंपनी की तरफ से जुड़ गए, हम दोस्त है, हम इकट्ठे रहते हैं 24 आवर, और उनके ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया के ऊपर आधारित है और इसको बहुत ही अच्छे से दर्शा रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं भीमराव पंडित जी और रवि कादम जी, और बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं दिलदान भाई, जिनके साथ मैं पहले भी फिल्में कर चुका हूँ, जैसे कि बेसमेंट आप सबने देखी होगी, और उसके पहले बॉलीवुड विला थी, उसमें इंडस्ट्री के काफ़ी सारे स्टार फिल्म स्टार थे। उसके पहले एक और फिल्म थी, अभी ये फिल्म है पाशा, जैसे कि आप देख रही हैं फिल्म पाशा, जो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द दर्शकों के सामने आएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि दिलदान भाई मेरे ऊपर हमेशा भरोसा करते हैं और मुझे हमेशा अपनी फिल्मों में काम देते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इस फिल्म में भी मैं एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जो आपके सामने बहुत जल्द आएगा। किस तरह किरदार होगा इसमें मेरा निगेटिव, जैसे कि अंडरवर्ल्ड डॉन के ऊपर कहानी है, माफिया कहानी है, तो फिर निगेटिव रोल रहेगा इंशाल्लाह, तो निगेटिव रोल कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं पहले भी निगेटिव रोल कर चुका हूँ, दिल्ली बस में भी मेरा निगेटिव है, और वेब गर्ल फिल्म जो अभी आने वाली है इंशाल्लाह उसमें भी मेरा निगेटिव रोल है। तो और कोई रोल खाली है? मेरे फ्रेंड भी हैं जो करना चाहते हैं अभिनय, कसीम अहमद। सबको अभिनय करने का मौका मिलेगा, और कसीम भाई आपके भाई नहीं हैं, हमारे भी भाई हैं, और इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे रोल खाली हैं क्योंकि अंडरवर्ल्ड के ऊपर कहानी है, इसमें बहुत सारे किरदार हैं, तो सबको काम करने का मौका मिलेगा। टीम बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत टीम है, जैसे कि दिलदान भाई बहुत ही हम्बली और बहुत ही वंडरफुल व्यक्ति हैं, उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है हर बार, इस बार भी बहुत मज़ा आएगा। और कैमरामैन मंसूर जी बहुत पुराने कैमरामैन हैं, और सीम से काफ़ी लोग जुड़े हैं, जैसे कि अपूर्वा लखिया सर अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत आभारी हैं हम इस बात के कि आप सब लोग सपोर्ट करते हैं और इतने सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। वेब गर्ल फिल्म एक खूबसूरत व्यक्ति होता है जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, अचानक उसकी बीवी किसी के साथ हमबिस्तर हुई हुई होती है, तो देखता है तो अचानक उसको मर्डर करता है, देन उसके बाद उसकी कहानी चलती है कि साइको व्यक्ति हो जाता, पागल आदमी हो जाता है, पागल व्यक्ति यानी कि उसको लड़की नाम से नफरत हो जाती है। तो ये उस पर कहानी किरदार के लिए काफ़ी 3-4 साल हमने मेहनत की, हमारे डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, आज़ाद हुसैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस फिल्म में मुझे काम दिया और मैं उस काम को कर पाया, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्त डायरेक्टर आज़ाद हुसैन, जो बहुत ही वंडरफुल डायरेक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं, और उन्होंने मुझसे काम करवाया, ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे डायरेक्टर का। फिल्म इंशाल्लाह ऑलमोस्ट फिल्म हमारी बिक चुकी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये इसकी तारीख हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, आप सबके साथ में इंशाल्लाह जल्दी इसको हम डिक्लेयर कर देंगे। उसमें जो मैंने किरदार निभाया, मैं खुद, आप सब जब देखेंगे इस फिल्म को तो आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे ये मैं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ कि ये मैं हूँ, क्योंकि उस किरदार के पीछे 2 से 3 साल मेहनत की थी, और इंशाल्लाह वो अभी
ऐसा मुकाम आ गया है, जैसे कि कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ और फल खाने का जब आदमी इंतज़ार करता है, तो वो इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वो फल भी खाने को मिलेगा। मैं मेरे देश के जितने भी दर्शक हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको मैं सबको सबके लिए दुआएं करता हूं, और वो बस मेरे लिए जहां भी देख रहे हैं मेरे लिए दुआएं करें और मेरी फिल्म को शुभकामनाएं दें, मुझे शुभकामनाएं दें, और थैंक यू वेरी मच। विच कैमरा लुक सब के सर, ये कहना चाहूँगा कि जो भी गाने आप गाते हैं तो इंटेंस और इतना पॉपुलर हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या राज आपकी कामयाबी पीछे आपके गानों के? घर वाले का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और बस हम तो काम कर रहे हैं, हिट और सुपर हिट तो पब्लिक सुन के करती है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि लोग गाने को पसंद करते हैं। और ये पहली बार मैंने अरविंदर अंकल के लिए गाया, जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये ऐसे के ऐसे ही हैं। और सुनील पाल सर भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं मुझे अंकल नहीं कहा जबकि यही अंकल। तो सर ये जानना चाहूँगा क्या सिचुएशन इस गाने की और कैसा अनुभव था? सिचुएशन समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, गणपति बापा का गाना है, उसको सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत ही आता रहेगा जो भी। ये मेरे दोस्त भीमराव जी की फिल्म है, पाशा फिल्म का नाम है, इसमें सारे और अरविंदर सिंह जी कितना स्टार चल रहा है आपके नाम से भी, लेकिन खैर मैंने म्यूजिकल ही आदमी का नाम लिया, ये नहीं कहा जॉनी लीवर साहब म्यूजिक दे रहे। तो अरविंदर सिंह साहब जो हमारे बहुत ही फेवरेट हैं, और म्यूज़िक से हम इनको पहचानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनका म्यूज़िक है, और ये गाना भी जो मैं रिकॉर्ड सुन रहा था और दिव्या की आवाज़ में, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब गणपति बापा का जो सीज़न आने वाला है उसमें ये गाना छाने वाला है, हर पंडाल में बजने वाला है, छाने वाला है, क्योंकि बहुत जोश है इसमें। इस गाने में जो गणपति बापा के सारे भक्त, चाहे वो किसी भी तबके का गरीब हो अमीर हो, इस गाने में झूमेगा, डांस करेगा, और ये गाना सुपर हिट होगा, सबके दिलों में छाएगा। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जितने सारे ट्रैक्स होंगे और अभी जो गाना दीप कुमार जी का गाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना प्लस पॉइंट होगा? देखो क्योंकि गणपति जी के बहुत गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, बहुत होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाने आ भी चुके हैं और बहुत सारे हिट हुए हैं, तो इन सब गानों से थोड़ा अलग करने की कोशिश थी, और मुझे बिल्कुल अब पक्का यकीन हो गया, जैसे दिव्या जी ने गाया उस हिसाब से मुझे लग गया कि ये गाना बिल्कुल हटके है और लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। गाने में एक भक्ति भी है, जोश भी है, उसमें मेलोडी भी है, लोग हर तरह से इसमें अपने आप में जुड़ाव महसूस करेंगे। तो सिर्फ म्यूज़िक दे रहे हैं या गाना भी आप गा रहे हैं अपने? हाँ नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ, और आगे अगर ऐसा फिल्म में म्यूज़िक दे रहा हूँ। और वैसे प्रोजेक्ट वाला कोई एल्बम या किसी के बारे में डिस्क्लोज करना चाहेंगे आप जो? नहीं भाई, जैसे दिव्या ने बोला ना, हम तो बस काम ही करते हैं, और आगे जब तक एक्चुअली काम पब्लिक में आता नहीं, आप बताने से कोई उसका फ़ायदा नहीं है, या कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। हम काम करते रहते हैं और बड़ी शिद्दत से और दिल से काम करते हैं, और जैसे पब्लिक में आए और पब्लिक पसंद करें तो वही एक बस है। थैंक्स। विश्वदीप इनका पहला गाना है जी, और बहुत प्यारा लिखा है, बताइए पहला गाना है जी। एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है, बहुत मतलब बड़ा मेरा लाइफ का मोमेंट है, मुझे सर ने मौका दिया, मुझ पर विश्वास किया, और मैंने कोशिश की अपना बेस्ट देने की, और अभी रिस्पांस तो सुनने को मिला है पब्लिक से, मतलब तो जो गाने लिखे कहाँ से प्रेरित हुआ और क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? जी मैं मराठी सॉन्ग्स में लिखता हूँ, मेरे कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं मैंने, और हिंदी का मतलब फर्स्ट टाइम ही मुझे मौका मिला है, और मैं कोशिश, और सबसे बड़ी बात है मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि दिव्या कुमार जी ने गाया है मेरा सॉन्ग, सच में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और थैंक यू सो मच अरविंदर सर, दिव्या कुमार सर की मौका मिला है, और थैंक्स। मैं चाहूँगा हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं भीमराव पंडित जी और रवि कदम, हम इनका थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमें मौका दिया, और ये एक नई टीम जिसको आप कह सकते हैं कि सामने आ रही है, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे गाने आप लोगों तक पहुँचाएँ।